वालेकुम साथियों मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका इस्तकबाल करता हूँ साथियों इससे पहले हमने पढ़ा था बागो बहार का मुख्तर खुलासा यानी थ्योरी बेस्ड क्लास हमने पढ़ी थी आज उसी के लिए हमने एक टेस्ट तैयार किया है जो मारूजी सवालात की शक्ल में है तो आइए पहले सवाल को देखते हैं बाग बहार कब शाइ हुआ बाग़ बहार कब शाइ हुआ तो दोस्तों बागो बहार की अशात के बारे में पूछा जा रहा है कि बागो बहार की अशात कब हुई अट्ठारह सौ एक अट्ठारह सौ दो अट्ठारह सौ तीन अट्ठारह सौ चार तो दोस्तों इसका सही जवाब है अट्ठारह सौ तीन क्यों इसलिए कि अट्ठारह सौ एक में इन्होंने लिखना शुरू किया था किसने मीर अमन दहलवी ने और अट्ठारह सौ दो में ये मुकम्मल हुई और अठारह सौ तीन में ये हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाये हुई चलिए अगला सवाल देखते हैं यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार के किस दुर्वेश के किस्से में है पहले दुर्वेश, दूसरे दरवेश तीसरे दरवेश और चौथे दुर्वेश। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला दुर्वेश। यानी पहले दरवेश के किस्से में जो है यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार के पहले दरवेश के किस्से में मौजूद है और ये जो है पहले का किस्सा ये चारों दरवेशों के किस्से में सबसे बड़ा भी है आइए अगला सवाल देखते हैं मीर अमन की जाय पैदाइश कहाँ है मीर अमन जाए की जाय पैदाइश कहाँ है पहला ऑप्शन है आगरा दूसरा है दिल्ली तीसरा हैदराबाद चौथा है कलकत्ता तो दोस्तों आपको पता होगा कि मीर अमन दहलवी जो है दिल्ली में पैदा हुए थे और इनकी वफात जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी कहाँ हुई थी कलकत्ता में वफा और दिल्ली में पैदाइश सत्रह सौ बावन में ये पैदा हुए थे दिल्ली में और अट्ठारह सौ आठ कलकत्ता में इनका इंतकाल हुआ था आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहें चलिए चौथा सवाल देखते हैं दिल्ली की मुआशरत किस दास्तान में पेश की गई है तो दोस्तों दिल्ली की जो मुआशरत है ये बाग बहार में पेश की गई है क्यों पेश की गई है इसलिए कि सब्रस लिखी गई दकन में रानी कैदकी की कहानी इन शाला खान षा ने लिखा फसान आजायब जो है रजब अली सरूर ने लिखा तो इसमें जो है लखनऊ की तहजीब का बयान है और मिर अमन दहलवी जो है इन्होंने बाग़ो बहार को लिखा तो बाग बहार में दिल्ली की जो है दास्तान इन्होंने पेश की है आइए अगला सवाल देखते हैं कौन सी तसनीफ़ उसके मुसनफ़ के ज़िंदगी ही में तर, अंग्रेजी में तर्जमा हो गई थी यानी कौन सी ऐसी किताब है कि उसके लिखने वाले अभी जिंदा थे बाहयात थे जीवित थे कि उनकी किताबों का तर्जुमा जो है अंग्रेज़ी ज़बान में भी हो चुका था तो दोस्तों वो किताब है आपका बागो बहार यानी मीरम दहलवी की हयात ही में उनके बाग़ बहार का जो है अंग्रेज़ी में तर्जुम किया जा चुका था अगला सवाल गंजी खूबी के मुसनफ़ का नाम क्या है मेर अमन मुल्ला वाइज हुसैन काशफी अमीर हमजा अमीर खसरू तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है मर अमन दहलवी क्योंकि इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में दो किताबें इन्होंने तसनीफ़ की थी एक तो बागो बहार जो क़स्सा दरवेश का उर्दू तर्जमा है और दूसरे गंजी खूबी जो मुला वाइज हुसैन काशफी की किताब का जो है अखलाक़ मसिनी जो किताब है इनकी उसी का तर्जमा है चलिए सात नंबर सवाल देखते हैं सातवां सवाल है मीर अमन दहलवी ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी थी तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लार्ड बेल्ली दूसरा है डॉक्टर जान गिल क्राइश्ट तीसरा हुसैन अता ख़ान तहसीन चौथा है मीर खसरू बताइए तो इसका सही जवाब है दोस्तों मिस्टर जान गिल इनकी फरमाइश पर इन्होंने मीर अमन दहलवी ने जो है बाग़ो बहार लिखी थी आठवां सवाल है बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि बागो बहार का सबसे तवील क़स्सा कौन सा है वो बताया था आपको पहले दरवेश का किस्सा जो है ये सबसे तवील है और पहला दरवेश जो है वो यमन का बाशिंदा है ख्वाजा अहमद जो एक सौदागर थे उनका लड़का है अगला सवाल बागो बहार में दूसरा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का लड़का है मुल्क यमन का मुल्क फ़ारस का मुल्क अरब का मुल्क रोम का तो दोस्तों पहला दरवेश तो मुल्क यमन का है और दूसरा दरवेश कहाँ का है मुल्क फ़ारस का है तीसरा अजम का है और चौथा चीन का है तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका कौन सा होगा मुल्क फारस का दास्तान बागो बहार में बुनियादी तौर पर कितने क़स्से कितने अफराद का क़स्सा बयान हुआ है पूछा जा रहा दास्तान बागो बहार में कुल कितने अफराद का क़स्सा है तो दोस्तों पाँच अफराद का क़स्सा है चार जो है दरवेशों का और एक आज़ाद बख्त जिसमें ख्वाजा सकपरस वगैरह का किस्सा है कुल पाँच किस्से हैं यानी ऑप्शन बा जो है आपका सही जवाब होगा अगला सवाल है दास्तान बाग़ो बहार में पहला दुर्वेश किसका बेटा है बादशाह आज़ाद वक्त का मलिक फारस का शहजादा मलिक उत्त ख्वाजा अहमद का और चौथा ऑप्शन है आजम का शहजादा तो दोस्तों भूलना नहीं इसका सही जवाब क्या होगा मलिक उत्त ख्वाजा अहमद का जो यमन का शहजादा है अगला सवाल हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सद किस दास्तान के किरदार हैं कह रहे हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं दास्तान अमीर हमजा दोस्तान ख्याल बाग बहार और फसाने अजय तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है बाग़ो बहार यानी बहार के जो है किरदार है अगला सवाल है मीर अमन को उर्दू नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है ये बयान किसका है तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अलताफ़ शिबली नोमानी दूसरा अलताफ़ हुसैन हाली तीसरा है नजीर अहमद और चौथा है सर सैयद अहमद ख़ान तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये कौल जो है सर सैयद अहमद ख़ान का है इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है बागों बहार में किस्से का आगाज़ किस मुल्क बादशाह के जिक्र से होता है क्या पूछा जा रहा है बाग व बहार में क़े का आगाज़ किस मुल्क के बादशाह के ज़िक्र से होता है तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है रोम यानी ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब होगा रोम के बादशाह के जिक्र से बाग़ व बहार के क़स्े का आगाज़ होता है थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसको हल करेंगे क्योंकि आपने कल थ्योरी पढ़ ली है पंद्रह सवाल है बाग़ व बहार दास्तान लिखने पर मीर अमन दहलवी को कितने रुपए इनाम में मिले थे चालीस रुपए, पाँच सौ रुपये दो सौ रुपये और तीन सौ रुपये तो दोस्तों मीर अमन दहलवी को बाग़ो बहार दास्तान लिखने पर जो है इनको पाँच सौ रुपये इनाम में दिया गया था इसलिए ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है अगला सवाल मीर अमन दहलवी की पैदाइश कब हुई अठारह सौ आठ अट्ठारह सौ छः सत्रह सौ तो दोस्तों इनकी पैदाइश जो हुई है सत्रह में पैदा हुए और 1808 में इनका इंतकाल हुआ दिल्ली में पैदा हुए और कलकत्ता में इनका इंतकाल हुआ शायद मैंने शुरू में सत्रह कह दिया था वो गलत है माफ़ कीजिएगा अगला सवाल जदीद उर्दू का आगाज़ किस दास्तान से होता है तो दोस्तों जदीद उर्दू का आगाज़ जो होता है वो होता है बागो बाहर से अगला सवाल तो इस्लाम इस्लामाम इकबाल के किस शेरी मजमू में है बाल जबरीन अलमगान एजाज बाग दरा ज़रब कदी जल्दी बताएँ चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन यानी बाग दर में दर में इस्लाम को शामिल किया गया है और नजमतल तो इस्लाम को बाग का दिल कहा गया है अगला सवाल फसाने आज़ाद किस अखबार में क़बार शाय होता था तो दोस्तों जी जी जवाब धुआँधार तरीके से अवध अखबार पैसा अखबार अवध पंच उर्दू अखबार चलिए अवध पंच में ये हफ्ता वार लखनऊ से ये शाये होता था इसलिए ऑप्शन नंबर से सही जवाब चलिए अगला सवाल अगला सवाल है सबरस में अखिल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया हिंदुस्तान फिरंगिस्तान सीस्तान उज्बेकिस्तान साथियों इसका जो सही जवाब है वो है सिस्तान क्योंकि अकल सिस्तान का बादशाह था अगला सवाल मीरम की मुलाकात डॉक्टर जानगिल कराश से किसने करवाई थी खान बहादुर मुंशी बहादुर अली हुसैनी इन शान शाह कोई नहीं तो साथियों इसका जवाब है मुंशी बहादुर हुसैनी अगला सवाल क़स्सा चहार दरवेश का सबसे पहले उर्दू तर्जमा किस नाम से किया गया तो दोस्तों इसका पहला तर्जमा सबसे पहले नौतरज मुरस्सा के नाम से हुसैन खान तहसीन ने किया था तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा अगला सवाल है दास्तान बाग बहार में बादशाह आज़ाद बख्त का लड़का बख्तियार की शादी किससे होती है जुलेखा से रोशन अख्तर से मलिका मेहर नगार से कोई नहीं इसका सही जवाब है रोशन अख्तर से अगला सवाल नज़ीर अकबर आबादी के किस नज़म में हाडी चूल्हा तवा और तंदूर के अल्फाज आए हैं तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रोटी नामा कौन सी नज़ रोटी नामा में ये सब अल्फाज आए हैं अगला सवाल दरबार दिल्ली और बरक़ कलीसा किस शायर की मशहूर नजमें हैं तो दोस्तों ये अकबर इलाहाबादी की नज़में हैं अकबर इलाहाबादी को लिसानुल असर के नाम से जाना जाता है अगला सवाल नज्म अब्लीस की मजलिस शुरा इकबाल के किस मजमु कलाम में शामिल है तो दोस्तों पहला ऑप्शन हाँ, है अरमगान हजाज दूसरा है बाग दरा तीसरा है बाल जबरील तीसरा है बाल जबरील चौथा है ज़रबिकल चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अरमोगान ग हजाज आधा फारसी में है और आधा उर्दू में अरमोगान ग हजाज अगला सवाल हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्र हो आज़ादी का जज्बा हो हसन का जौहर हो तामीर की रूह हो ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो ये कौल किसका है तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद ने 1836 में लखनऊ के अंदर जब तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा हो रहा था तो सदारत करते हुए उन्होंने ये कौल पेश किया था चलिए अगला सवाल देखते हैं दास्तान सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी तो दोस्तों दास्तान सबरस ये लिखी गई थी अब्दुल्ला शाह की फरमाइश पर क्यों इसलिए कि कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर मसन कुलतब मुशतरमल्वजी ने लिखा था और अब्दुल्लाुतुब शाह की फरमाइश पर दास्तान सबरस अगला सवाल अवध पंज क्या है अवध पंज क्या है अवध पंज जो है लखनऊ का हफ्त रोज़ा अखबार है इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा अगला सवाल देखिए आग का दरिया किस सिंफ से ताल्लुक रखता है पहला ऑप्शन नावल दूसरा तारीख़ तीसरा अफसाना चौथा सवाल उम्र तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी नावल से ताल्लुक रखता है आइए अगले सवाल पर चलते हैं सवाल नंबर इकतीस है गालिब किस लिए अदब में मशहूर हैं गालिब किस लिए अदब में मशहूर हैं ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है मसनवी नगार दूसरा है गज़ल गो तीसरा है रुबाई और चौथा है नस्म चलिए इसका जवाब दीजिए इसका सही जवाब है गजल गोई यानी गालिब जो हैं गजल गोई में अपनी शोहरत रखते हैं सवाल नंबर बत्तीस देखिए गिलक्रिस्ट फोर विलियम कॉलेज के सदर थे या प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर एक प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर दो शोबे सदर या हिंदुस्तानी तीसरा ऑप्शन है बानी चौथा है सरपरस्त तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दो यानी शोब उर्दू के या शोब सदर हिंदुस्तानी ये थे अगला सवाल सबरस किस दौर की दास्तान है सबरस किस दौर की दास्तान है बीसवीं सदी उन्नीसवीं सदी अठारहवीं सदी और सत्रहवीं सदी तो आपको इसके लिए याद होना चाहिए कि सबरस किस दौर में लिखी गई यानी इसका सन आपको पता होना चाहिए तो चलिए ये लिखी गई है सोलह सौ पैंतीस ईस्वी में किस सन में सोलह सौ ईस्वी में तो अब देखिए सोलह ये कौन सी सदी बनेगी सत्रहवीं यानी ऑप्शन नंबर फोर जो है आपका सही जवाब होगा अगला सवाल नो तर्ज मुरस किस सदी में लिखी गई नौ तर्ज मरस जो है किस सदी में लिखी गई सत्रहवीं सदी अठारहवीं सदी उन्नीसवीं सदी और बीसवीं सदी तो दोस्तों ये लिखी गई है अठारहवीं सदी में यानी ऑप्शन या नंबर दो बिल्कुल सही जवाब होगा अगला सवाल असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असली नाम है तो दोस्तों मुल्ला असदुल्ला वजही जिन्होंने सबरस की तसनीफ़ सोलह सौ पैंतीस में की थी और ख़ुत मुश्तरी इन्होंने सोलह सौ नौ ईस्वी में लिखा था तो इसका ऑप्शन नंबर चार सही जवाब होगा अगला सवाल नावल अवान गज़ल किसकी की है तो ऐवान गारिश संग ये दोनों नावल हैं जीलानी बानो के यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा अगला सवाल है नज्म गाधी नामा किसकी तखलीक है तो दोस्तों नज्म गाधी नामा ये तखलीक है अकबर इलाहाबादी की अकबर इलाहाबादी की अगला सवाल है दास्तान बाग बहार में आज़ाद वक्त के लड़का बख्तियार की शादी किससे होती है बसरा की साहबजादी से रोशन अख्तर से मलिक मह से देवपरी से तो दोस्तों रोशन अख्तर से जो मलिक शहपाल की साहबजादी थी मलिक शहपाल जो था वो जिनों का बादशाह या जादूगर का था अगला सवाल आग है औलाद है इब्राहिम है नमरूद है क्या किसी को फिर किसी का इम्तहा मकसूद है मंदरजा शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई इस तशबी नाया तिल में तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर चार यानी तिलमी क्यों इसलिए कि जब कलाम में किसी ख़ास वाकया इशारा या तारीखी बातों की तरफ इशारा किया जाए तो उसको तिल में सनात तिलमी कहते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही जवाब होगा आइए अगला सवाल देखते हैं और आखिरी सवाल आज का देखते हैं नया कानून अफसाना नया कानून का मुसनफ़ कौन है इसमत चुगताई मिन्टू मंटू कृष्ण बेदी तो दोस्तों आसमत ये नया अफसाना नया क़ानून ये है सादत हसन मंटू का किसका है सदत हसन मंटू का यानी ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब होगा तो दोस्तों ये कुल चालीस सवाल थे आखिर में आपसे कहूँगा कि मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद मुसलसल मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद मुसलसल खैरत में यूँ चाँद सितारे नहीं मिलते तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और अब इन शाह दो वीडियोज़ आपको मिलेंगी सुबह को थ्योरी और शाम को उसका जो है मॉक टेस्ट चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगर आपने आखिर बात कहता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए असल